हेलो दोस्तों, MRSE टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज हम आपको थ्री फेज का कॉन्ट्रैक्टर लगाना सिखाएंगे। ये थ्री पोल का है। इसके पहले हम थ्योरी में आपको हम कॉन्ट्रैक्टर का फंक्शन और टोटल डिटेल्स बताए थे, कितने तरह का होता है, क्या होता है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे। तो ये हमारा इस यूनिट का कॉन्ट्रैक्टर ख़राब था। ये कंप्रेसर है, थ्री फेज का अपना कंप्रेसर है, ठीक है, स्क्रोल कंप्रेसर है, ये पैकेज यूनिट है। तो अभी इसमें देखिए, इसमें जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इसमें डिफरेंट सप्लाई यूज होता है, एक कंट्रोल सप्लाई यूज होता है, एक पावर सप्लाई यूज होता है। तो पावर सप्लाई तो थ्री फेज आप L1 L2 L3 में डाल देंगे। कंट्रोल सप्लाई जो है, कंट्रोल सप्लाई इसको कॉन्ट्रैक्टर को पुश कराने के लिए डाला जाता है। जो कॉइल वोल्टेज इसका जितना का आप चेक करेंगे, ये 220 वोल्ट का है कॉइल वोल्टेज इसका, तो 220 का इसको सप्लाई देना होगा, एक न्यूट्रल एक फेज जो A1 A2 के नाम से जाना जाता है इसका कंट्रोल सप्लाई। तो इसमें जो कंट्रोल सप्लाई जो है, नीचे इंडोर यूनिट जो है ना, इंडोर यूनिट से देखिए यहाँ पर फोर वायर आया हुआ है, ठीक है। तो ये चार वायर में क्या है कि एक इसमें कंट्रोल पावर रहेगा, जिसको CP बोला जाता है, कंट्रोल पावर, वो हमारा A1 में आता है। जिस तरह से अगर रूम का सेंसर, अगर सेंसर जो लगाया रहता है रूम में, तो टेम्परेचर आने पर वो सेंस करता है। तो अगर रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो क्या है, कंट्रोल को यहाँ पे कमांड मिलता है। तो कंट्रोल के जरिए यहाँ A1 में सप्लाई आता है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दिया रहता है, तो कॉन्ट्रैक्टर पुश हो जाता है। और फिर जो थ्री फेज सप्लाई जो आप यहाँ पर डाल करके रखे हुए हैं L1 L2 L3 में, ये T1 T2 T3 के जरिए आउट करने लगता है। तो आपका कंप्रेसर रनिंग ले लेता है। फिर रूम का टेम्परेचर आ जाने के बाद फिर A1 का सप्लाई स्टॉप हो जाता है। तो ये फंक्शन है हमारा कॉन्ट्रैक्टर का, ये इस तरह से अपना एयर कंडीशनिंग इस तरह से ये वर्क करता है। तो अभी हम आपको सामने करके दिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ओवरलोड रिले है, ठीक है, इसको OLR बोला जाता है। इसका क्या काम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो आपका वायर निकलता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो वायर निकलता है इसमें कनेक्ट किया जाता है। ये इसका देख रहे हैं 3 पॉइंट दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से कंप्रेसर में लेकर के गया है। तो इसका क्या काम है कि ज़्यादा हाई एम्स होने के बाद, ज़्यादा लोड्स पड़ने के बाद जो है ना, इसके अंदर रिले जो है वो पॉइंट छोड़ देता है, तो आपका कंप्रेसर सेफ हो जाता है, ये बंद हो जाता है अपना सिस्टम। तो इसके लेकर के ओवरलोड रिले लगाया जाता है। तो अभी हम आपको पूरा कनेक्शन करके हम दिखाएंगे और किस तरह से वर्क करता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी देखिए हमने फिर कंट्रेक्टर को अभी पूरा फिक्स कर लिया, ठीक है। अभी जो कंट्रोल पावर अपना सप्लाई जो आ रहा था नीचे से इंडोर यूनिट से, तो ये वाइट वाला जो है, ये वाइट वाले को ला करके A1 में डाल दिया है पीछे बैक साइड में। ये देखिए यहाँ पे ये A1 में डाल दिया है, और न्यूट्रल उसको कहीं से उठा करके डाल दिया है, ठीक है। बाकी अपना थ्री फेज ये जो सप्लाई है इधर, थ्री फेज L1 L2 L3 में डाल करके रखा हुआ है पावर सप्लाई, वो कंप्रेसर में जाने के लिए। और फिर उसके बाद ओवरलोड रिले से जो है इसको, ये तीनों सप्लाई को पास कराया, आउट कराया है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लिया, क्योंकि ओवरलोड रिले हमारा अपना कंप्रेसर का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओवरलोड होने के बाद जो है ये अपना काम करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये कंडेंसर का अभी न्यूट्रल फेज चाहिए ना, कंडेंसर फैन का। ये देखिए ऊपर में कंडेंसर फैन है सिंगल फेज का। तो इसके लिए क्या किया है, अभी अपना फेज जो है कॉन्ट्रैक्टर से आउट किया है। जब कॉन्ट्रैक्टर जब पुश करेगा, पकड़ेगा, जब कॉन्ट्रैक्टर अपना मैग्नेट बनाएगा, तो क्या है, इसको कंडेंसर को भी सप्लाई मिलेगा, और न्यूट्रल को डायरेक्ट न्यूट्रल एक बगल से दे दिया है, अब फेज कॉन्ट्रैक्टर से आउट किया है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा तो अपना कंप्रेसर भी स्टार्ट लेगा, और ये कंडेंसर जो फैन मोटर है उसका, वो भी स्टार्ट लेगा। तो ये दोनों इसलिए यहाँ पर डाल दिया है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा, आप सामने देखिए। एक चीज़ और आप लोग को हम बोलना चाहते हैं, कभी भी जो है ना पावर सप्लाई चेक कर ले, रनिंग कंडीशन में कभी भी काम ना करें। और अगर पावर आपने देखिए आइसोलेटर ऑफ भी कर दिया है, उसके बावजूद भी आप क्लैंप मीटर से चेक कर ले, टेस्टर से चेक कर ले कि पावर आ तो नहीं रहा है। कभी कभी आप आइसोलेटर तो उठा देते हैं लेकिन वो अंदर का पॉइंट जो है नहीं कट होता है, तो इसके लिए क्या पावर आते रहता है। इसलिए आप पूरा फुली तरीके से चेक कर लें कि नहीं सप्लाई है, उसके बाद ही आप कोई काम करें। कोई भी काम जो है सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ है, आपको तो आपको शॉक मार सकता है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। एक चीज़ आप और सोच रहे होंगे कि ये मैंने वायर क्यों कनेक्ट यहाँ पर ऐसे किया है। एक्चुअल में ये पत्ती आता है इसका, देखिए ये पत्ती है। तो इस बार हमको कॉन्ट्रैक्टर दूसरा मिला है ना डिफरेंट, तभी तो हमको रनिंग कराना है कैसे भी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को इसको वायर से कनेक्ट किया है, इसमें सेट नहीं आ रहा था ना,
इसके पहले दूसरा कॉन्टेक्टर लगा हुआ था, दूसरा मॉडल का, समझ गया। तो फंक्शन तो वही है, तो इसलिए मैंने वायर से इसको कनेक्ट किया है, क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा था। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी मैं नीचे से थर्मोस्टेट से ऑन किया, तो अभी अपना ये कॉन्टेक्टर पकड़ लिया, यहाँ पे कंट्रोल पावर आया, तो इसके बाद अपना फ़ैन भी स्टार्ट हो गया। अभी हमारे ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है, ठीक है, काम करने लगा। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि HVAC से आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का हर तरह का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, तो आपके लिए बहुत सारा फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए फिर, अपना ख्याल रखें।